नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जिसका नाम है एक कोरमा। हमने रेस्टोरेंट में काफ़ी बार खाया है एक कोरमा, लेकिन किस तरीके से हम घर में इसे इजी वे में बना सकते हैं वही मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बिल्कुल दिखने में भी रेस्टोरेंट जैसा लगेगा और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा जिस जैसा कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी एक कोरमा। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा ज़्यादा करके ही तेल जो है यहाँ पर ऐड किया है। मस्टर्ड ऑयल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी यहाँ पर ऐड किया है जिससे कि अंडा जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें एक बढ़िया सा रंग भी आ जाएगा। और हल्दी मैंने इसलिए पहले ऐड किया जिससे कि ये तेल जो है वो छिटके ना, इसलिए मैंने हल्दी को जो है वो पहले ऐड कर लिया है। और कलर भी इसमें जो अंडे में कलर होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया सा एक कलर आ जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर अंडे में बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ चुका है। ये अंडा जो है वो चारों तरफ से फ्राई हो चुके हैं इक्वली। अब मैं इसे एक अलग से बोल में निकाल लूंगी। अब बिल्कुल उसी तेल में जिस तेल में मैंने अंडे को फ्राई किया है उसी तेल में मैं 3 तेज पत्ते, एक दालचीनी का स्टिक में थोड़ा सा, और 2 से 3 मैं यहाँ पर इलायची यूज करूंगी, और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसे करीबन बस थोड़ा सा ही इसे फ्राई करना है जिससे कि इसमें से जब भी अच्छा सा एक स्मेल आने लगे फ्राई करते समय, उसके बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में कुछ नहीं, जस्ट मैंने इसमें प्याज और लहसुन को एक साथ पीस लिया है। इसे मैंने अलग अलग नहीं पीसा है, प्याज और लहसुन मैंने एक साथ ही इसमें ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ, प्याज और लहसुन 2 टीस्पून में इसमें ऐड करूंगी। 4 अंडे के लिए मैं यहाँ पर मसाले जो है वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून प्याज और लहसुन जो है उसका पेस्ट यहाँ पर ऐड किया है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम में थोड़े अच्छे तरीके से भून लूंगी। एक मिनट बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड किए हैं। यहाँ पर नमक जो है वो बिल्कुल स्वाद अनुसार ऐड करना है क्योंकि ये ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक बनेगी, इसलिए नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा कम नमक रखिएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर लिए हैं। करके मैं अब इसे अच्छे तरह से मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी। इस मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। मसाले जैसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं खसखस का पेस्ट और बादाम। बादाम और खसखस का बादाम मतलब जस्ट नॉर्मल बादाम ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। बादाम और इसमें खसखस जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है वही मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम में इसे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है जिससे कि इसमें कच्चापन जो है वो ना आए, उसका फ्लेवर जो है कच्चा ना आए, इसलिए हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो क्योंकि मेरा घर जो है बिल्कुल रोड साइड के बाजू में, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इस मसाले को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जिस बोल में मैंने खसखस और बादाम का जो पेस्ट रखा था उसी बोल में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, उसी पानी को हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे करीबन 10 मिनट के लिए। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे ढक के पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो वो बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाले ने तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल तेल अलग हो चुका है। ये मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ अंडा ऐड कर देंगे। फ्राई किया हुआ अंडा ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसालों के साथ, अंडे को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पहले। देखिए इस तरीके से हम इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून घी ऐड कर रहे हैं। कोरमा बन रहा है और इसमें घी ना हो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इसलिए हाफ टी स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। और इसको घी को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ टी स्पून गरम मसाले का जो पाउडर है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी जो होती है बहुत थिक होती है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है। इसका ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम फिर ढकेंगे करीबन 5 मिनट के लिए। अगर आप मेरी रेसिपी कुछ आपको आपके द्वारा मिस हो गई है तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स जो है वो पूरा दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब जो आप ये छोटा सा नॉब देख रहे हैं यहाँ पर हम एक लॉन्ग ऐड दे देंगे, जिससे कि इसके अंदर का जो वेपर है वो बाहर ना निकल पाए, क्योंकि हमने इसमें अभी घी और गर्म मसाला ऐड किया है, तो ये जो फ्लेवर है बहुत अच्छे तरीके से अंडे में आ जाए, इसलिए हम इसमें एक छोटा सा लॉन्ग ऐड कर रहे हैं। 5 मिनट बाद देखिए ये जो बिल्कुल तैयार हो चुका है ये रेसिपी। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्च ऐड करने के तुरंत बाद ही हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हरी मिर्च को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ही हम इसको ढक देंगे और करीबन 10 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन नहीं निकालेंगे। ये हरी मिर्च का जो एक अलग सा एक अरोमा है ये बिल्कुल इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाएगा। और आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रेसिपी जो है आप वो राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप ये खा सकते हैं। तो चलिए आज की मेरी ये रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।